वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइस, आज ना कुछ एक छोटी सी चीज़ मैंने आपको दिखानी है, कुछ बात आपसे शेयर करनी है। वो ये कि आज मेरी अम्मी ईदी लेकर आएंगी और ईदी के बारे में मुझे आपसे बहुत सारी बातें शेयर करनी है और बहुत कुछ मेरे माइंड में है वो मुझे आपको बताना है। ये अभी आज है जुम्मतुल विदा और आज था 27वां रोज़ा, जो कि अब इख्तिताम पे पहुँचने वाला है। 27वां रोज़ा था और जुम्मतुल विदा भी था, तो बहुत बड़ा रोज़ा था आज के लिए। तो अब बस हम लोग जा रहे हैं इफ्तारी करेंगे, उसके बाद अम्मी आएंगी। मैं आपको अम्मी जब आएंगी ना तो भी दिखाऊंगी, पहले इफ्तारी का दिखा दूँगी, मतलब इफ्तारी कर लेते हैं चलो। और जी राहिल को भी देखने, राहिल जो है रेडी हो चुके हैं और ये इनके जुम्मतुल विदा के कपड़े हैं। और राहिल की है ये पहला जुम्मतुल विदा, पहला रमजान, पहला अलविदा और जुम्मा, और पहली ईद होगी इंशाल्लाह। सो गाइस, यहाँ पे इफ्तारी तो हो चुकी है और खाना भी बन चुका है। मैं चाय भी पी चुकी हूँ, इफ्तारी के बाद मैं चाय पीती हूँ और खाना भी बन गया है। और तब अब मैं वेट कर रही हूँ, तैयार होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है ना हिम्मत हो रही है, तो ऐसे ही वेट कर रही हूँ। देखिए, मेरे घर से सिर्फ दो ही लोग आए थे, भाई आए और अम्मी आई हैं, क्योंकि पापा की तबीयत भी ख़राब रहती है, अम्मी भी बहुत दिनों बाद आई हैं। मेरे ससुराल में तो सब बोलते रहते हैं कि अम्मी आती नहीं है, तो हमारी अम्मी मुझे बोलने लग गई कि यार तुम तैयार क्यों नहीं हो, फिर आपके लिए हम ईदी लेकर आए हैं और आप भी तैयार नहीं हुई हैं, तो फिर तुझे चलो लिपस्टिक लगा लेते हैं। मैंने पोस्ट भी डाली थी कि मैं भाई मुझे टाइम नहीं मिलता, अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और यही होता है शादी के बाद, शायद हर लड़की को अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता। और मेरी तो खैर अलग ही बात है, मुझे दूसरे काम भी बहुत करने होते हैं, तो साथ में दोनों चीज़ों को लेकर चलना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ली कि चलो थोड़े से अच्छे लग जाते हैं। बेटा मैं पता चला तो मिला दो, चलो दादी नानी करती है तो वो भी करेगा, सही है। दादी के साथ बहुत करती है मोदी, और हमारे शाही साहब अपनी दादी के साथ नमाज पढ़ रहा है, इसकी छोटी सी छुट हो गई। राहिल, हां मेरी, अच्छा उसके बच्चे छोटे रहे, थोड़ा दादी के साथ बहुत करती है। दादी गौर से देख रहे हैं अम्मी को, पता नहीं क्या हो गया, रुक ही गया, चुपचाप हो गई, चुपचाप हो गया। पहली दफा देखा है ना इंसान को, पहली दफा देखा है जैसे मैं जाहिल, मुझे पता ही नहीं। यहाँ पर हम लोग बातें कर रहे हैं ईद की प्लानिंग। अम्मी बोल रही है इफ्रा जिस दिन मशहूर अंकल को बुलाएंगे उस दिन जो है तुम्हें और रिदा को भी बुला लेंगे। चलो भी राहिल का टॉय आ गया, राहिल का टॉय यहाँ पर मौजूद है, ये राहिल के जितना है, नानू लेकर आई है। पसंद आ गया, अल्लाह अली आपसे मैच हो रहा है। ये लोग जा रहे हैं और सब अल्लाह कर रहे हैं, कैसे रहे हैं, कैसे गले मिल रहे हैं, मार ला के जा रही है, बैठी नॉर्मल यही है। अल्लाह भेज रही है, सुबह आएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। अच्छा, ये तो बना ली, दास कर दी थी दोनों। और ये जो है कपड़े खोल के देखे जा रहे हैं, ठीक है, और ये कपड़े खोल के देखे जा रहे हैं। और आ गए वाह भाई, तो ये भी बहुत जरूरी चीज है, सारी का आइटम लिया है आपने, ये तो बहुत सब कर लेना। अब हम ऊपर जा रहे हैं, जा रहे हैं और बस ब्लॉग जाना है, कुछ छुट्टी है, ये लोग पागल हो गए, कल अली का सैटरडे लास्ट लास्ट डे है, ज्यादा है फिर छुट्टी है।
बस लास्ट डे पर छुट्टी होती है सब। हां एक दिन चाहिए, एक दिन छुट्टी, इससे जलते हैं लोग कुछ लोग।